हेलो फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मार्कशीट कैसे बनाते हैं और जोड़ते कैसे हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो ये स्टार्ट दिख रहा है ना सिंबल, इस स्टार्ट बटन पर जाना है और इसी जो ये जो एप्लीकेशन आपका दिखाई दे रहा है इस एप्लीकेशन में क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी में हम क्या करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। और या तो आप रन बॉक्स के जरिए भी आप ओपन कर सकते हैं। रन बॉक्स के जरिए बस यही होगा कि आपको टाइप सिर्फ इतना ही करना होगा, EXCEL, है ना, एक्सेल लिखेंगे तो आपका ओपन होगा। तो चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसा टेबल दिखा। और टेबल कहने का मतलब क्या होता है कि टेबल क्या होता है, टेबल का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी बहुत सारे रो और कॉलम को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो जैसे ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का क्या होता है, आपका टेबल होता है, जिसमें ये वाला जो ए बी सी डी जो दिखाई दे रहा है ना, ये कॉलम होता है। कॉलम की संख्या जो टोटल होता है 16384 होता है ना। और ये वाला जो 1 2 3 4 ये वाला रो होता है, रो की संख्या जो है 1048576 होता है, ठीक है। तो इसी टेबल पर क्या करना है था कि हम लोग को डाटा एंट्री करना होता है या टेबल बनाना होता है या मार्कशीट से रिलेटेड काम करना होता है या जितना भी ऑफिस वगैरह में होता है एंट्री वाला काम, है ना, चाहे जिस भी टाइप का एंट्री करना होगा इसी टेबल पर हम लोग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना कि जो भी इस पर आप काम करेंगे तो ये जो टेबल बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना वो नो बॉर्डर में रहता है ना। तो इसको क्या करना था कि सबसे पहले इस जो ए और वन के जो बीच में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे क्लिक करके हम सारे टेबल को वन टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस जगह से आप क्या कर लीजिए, ऑल बॉर्डर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो दिखाई दे रहा है ना आपको बॉर्डर में दिखाई देगा और जब प्रिंट होगा तो भी बॉर्डर में ही प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि अगर हमको जोड़ना है तो एक डाटा इनपुट कर लेते हैं, तो एक मार्कशीट बनाते हैं ना, और सबको क्या करते हैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और इस पर सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, सारे का साइज सेम होगा, एक बार में सारा का हो जाएगा, है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्कशीट बनाते हैं। मार्कशीट बनाने के लिए क्या है कि हम यहाँ से नेम और अरेंज भी कर लेते हैं डाटा को। डाटा को अरेंज करने के लिए क्या है कि हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, है ना, जो भी हेडिंग में रहे यानी इस लाइन पर जो भी रहे बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं कि सबको सेलेक्ट करने के बाद हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ से सेंटर, है ना। इसके बाद क्या है कि यहाँ से 5 सब्जेक्ट, जैसे कि हम यहाँ से फिजिक्स, इसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री एक मार्कशीट बना रहे हैं, मैथ, इसके बाद आपका जो इंग्लिश, है ना, और यहाँ से कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 5 सब्जेक्ट हुआ। और इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से टोटल कैसे निकालते हैं, है ना, टोटल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग फिर क्या होता है कि डिविजन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम यहाँ से क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट ऐसा बना लिए, 5 सब्जेक्ट, है ना, टोटल एवरेज और यहाँ से डिवीजन। और इसके बाद हम क्या करते हैं 3 पर्सन का नाम लिख लेते हैं, है ना, श्याम, देख पा रहे हो कि ये बोल्ड में नहीं हो रहा है क्योंकि हम केवल हेडिंग को ही बोल्ड किए थे। और ये नाम थोड़ा सा मिस हो गया, YM, है ना, श्याम हो गया, राधा हो गया, है ना, और यहाँ से गोपाल हो गया, ठीक है, 3 नाम दिए। और इसमें क्या करते हैं हम कुछ ना कुछ सब में वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ शब्द में क्या कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, मतलब मार्क्स इनपुट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया, और ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या हुआ, छोटा सा मार्कशीट बनाए। और मार्कशीट बनाने के बाद क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है ना कि सबसे पहले देखिए 2-3 प्रोसेस है, हम आपका सारे प्रोसेस आपको एक ही करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना कि आपको यहाँ से इक्वल टू SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करना है
और इन पांचों नंबर को क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, है ना। इन पांचों नंबर को सेलेक्ट किए और यहाँ से ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ से इंटरप्रेस करना है, ये एक जोड़ देगा। दूसरा प्रोसेस हुआ कि आप यहाँ से इक्वल टू देंगे और फर्स्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लस का सिंबल, फिर सब दूसरा सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे फिर प्लस, तीसरा सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे प्लस, चौथा पे क्लिक करेंगे प्लस, पांचवा पे क्लिक करेंगे, है ना। तो पांचवा पे अभी देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा हट गया है ना। तो हम इसका साइज क्या करते हैं, अभी गलत होगा ये, है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, है ना। जैसे अभी देख पा रहे हैं सीरियल आ रहा है, अगर लगातार आ रहा है कि यहाँ से B3 आ रहा है, C3, D3, E3, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ही क्या होगा आपका, F3 होगा। आप टाइप भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए 268 आया। और एक और प्रोसेस है कि आप यहाँ से सारे नंबरों को सेलेक्ट करेंगे और ये जो ऑटो सम का सिंबल दिख रहा है ना होम, इस पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और सबसे बेटर प्रोसेस है ना, सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ से ना कि ये जो एक का निकालने के बाद ये जो प्लस का सिंबल आएगा यहाँ से खींच भी सकते हैं। अगर आप खींच देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, खींच देंगे तो क्या होगा, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे बेटर प्रोसेस ये भी, आप उसका भी यूज कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के लिए क्या करना है कि आपका बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो जैसे हम क्या करेंगे यहाँ से इक्वल टू, है ना, ए वी ई आर ए जी एवरेज लिखेंगे, है ना। अब ब्रैकेट ओपन करना है और जिन पांचों नंबर का एवरेज निकालना है पांचों नंबर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ब्रैकेट बंद और यहाँ से इंटरप्रेस, ठीक है। ये निकला 50%। अब यहाँ से क्या है ना कि दूसरा प्रोसेस है, हम तो अभी बताया कि खींच कर आप ऐसे करके ला सकते हैं ना, जैसे देखिए अभी हम खींच देंगे तो दोनों का भी एवरेज निकल जाएगा, इनका भी, दूसरा का भी निकल गया, तीसरा भी निकल गया, ठीक है। और या तो आप इस प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू देना है ना, टोटल पे क्लिक करेंगे, जो हम लोग का मैथ वाला फॉर्मूला है, प्रोसेस है, इक्वल टू टोटल पे क्लिक किए और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट मिला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 लिखेंगे और इंटरप्रेस कर देंगे। ये 5 यहाँ पर नहीं हो पाया होगा, इक्वल टू देना है, टोटल पे क्लिक कीजिए, डिवाइड, यहाँ से 5 लिखना है ना, 5 लिखना है और यहाँ से इंटरप्रेस, ठीक है, 60% निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डिवीजन कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो डिवीजन निकालने के लिए क्या करना है कि आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे कि आप यहाँ से, हमको क्या करना है कि पहले इन पांचों सब्जेक्ट को चेक करना होगा क्या इन पांचों में से फेल है, अगर फेल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज को चेक करेंगे, है ना। तो पहले पांचों सब्जेक्ट को चेक करते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल टू देना है, आई एफ इफ, है ना, ब्रैकेट ओपन करना है और फर्स्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, क्या ये नंबर लेस देन 33 कर दे रहे हैं, है ना, तो 33 हो रहा है, क्या वो नंबर 33 से कम अगर है तो मैसेज आपको यहाँ से देगा फेल, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे इफ, फिर इसके बाद आपको क्या करना, दूसरा सब्जेक्ट चेक करेंगे, यानी दूसरा सब्जेक्ट पे क्या करेंगे, क्या ये नंबर लेस देन 33 से कम अगर है तो मैसेज आपका क्या देगा, फेल, है ना। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा, फिर इफ यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर तीसरा सब्जेक्ट को चेक करेंगे, क्या ये नंबर लेस देन आपका 33 अगर है तो मैसेज देगा यहाँ से फेल, है ना, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ता जाएगा लगातार, इफ ब्रैकेट ओपन होगा, फिर चौथा को चेक करेंगे, यहाँ से लेस देन 33 अगर है तो मैसेज यहाँ से देगा आपका फेल, है ना, और इसके बाद अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेगा, और यहाँ से इस बार पांचवा सब्जेक्ट को चेक करेंगे, है ना, F2 होगा ना, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि लेस देन 33 अगर है तो मैसेज देगा यहाँ से फेल, और नहीं है, अगर पांचों में से किसी में भी फेल नहीं है तब हम किसको चेक करेंगे, एवरेज को चेक करेंगे। एवरेज को चेक करने के लिए यहाँ से इफ, है ना, ब्रैकेट ओपन होगा और एवरेज पर क्लिक करते हैं। एवरेज पर तो क्लिक देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं या फॉर्मूला बॉक्स के जरिए, तो खैर यहाँ से ठीक है। तो हम अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट हम इस सेल का जो एड्रेस होता है ना, एक एक पैकेट को सील कर, दूसरे सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं। एड्रेस होता है, पहले ये कॉलम हम लोग पढ़ते हैं और बाद में रो पढ़ते हैं, तो कॉलम मेरा जो है एच है और रो आपका 2 है, तो यानी डायरेक्ट हम यहाँ से H2 भी लिख पाएंगे, H2
है ना, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 60 से ज्यादा या 60 होता है तो मैसेज देगा आप एसटी लिख देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, यानी फर्स्ट हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट ना हो तो फिर आपको दूसरा वैल्यू भी देना होगा, फिर यहाँ से इफ लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इसी एवरेज पर हमको फिर कंडीशन लगाना है। तो एवरेज क्या है मेरा एस टू है ना, तो एस टू दिए है ना, तो एस टू दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होता है तो यहाँ से मैसेज देगा सेकेंड है ना, और अगर अगर सेकेंड भी नहीं होगा तो फिर आपका तीसरा तो होना ही है, और तीसरा क्या होगा आपका थर्ड, यानी एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज देगा थर्ड, ठीक है, और यहाँ से टोटल हम लोग कितना ब्रैकेट ओपन किए थे, यानी 5 सब्जेक्ट के लिए 3 एवरेज के लिए, यानी टोटल 8 ब्रैकेट हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, और जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे रिजल्ट आपका दिया फेल। तो सही बात है कि इसका रिजल्ट क्या है 50% है, भले जानते हैं कि ये 50% 45 से ज्यादा तो सेकंड होना चाहिए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में इसका क्या है 23 है तो फेल होगा, और इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं हम यहाँ से खींच के इन दोनों पर भी अप्लाई कर देंगे। तो एक देख पा रहे होंगे ये भी फेल है, क्यों फेल है, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट में 28 है तो फेल होगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट है क्योंकि 60% भी है और किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। अब जैसे देखिए इसका मार्क्स हम क्या करते हैं 33 यानी 35 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या होगा डिवीजन सेकंड हो गया, ये वाला 23 में है ना इसको हम 98 कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ये फर्स्ट डिवीजन हो गया ना। यानी कहने का मतलब है कि पांचों सब्जेक्ट में किसी में भी आप नंबर बदलाव करेंगे तो टोटल में भी बदलाव होगा, एवरेज में भी बदलाव होगा और डिवीजन में भी बदलाव होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग मार्कशीट बना सकते हैं और मार्कशीट बनाने के बाद टोटल निकालना, एवरेज निकालना, डिवीजन निकालना, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको अरेंज करना चाहे या कलर देना चाहे या और भी डाटा इनपुट करना चाहे आप कर सकते हैं, यानी करने का मतलब ये तो हम 3 एक एग्जांपल में बनाए, आप बहुत सारे स्टूडेंट का भी आप बना के इस तरह से टोटल निकालने का, एवरेज निकालने का, डिवीजन निकालने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।